जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और राजभवन के समीप जो धरना स्थल है वो वाकई में आज लग रहा है कि मानो वो पूरा का पूरा धरना स्थल ही है। आपको बता दें, लोकतंत्र की राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, फंडामेंटल राइट होती है। और कहीं ना कहीं ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और अपने फंडामेंटल जो राइट है उसको पहचान रहे और यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पे अभी करीबन 5 से 6 धरने चल रहे हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि सरकार से कितनी नाराजगी है इन लोगों की। लेकिन सबसे अच्छी बात जीएन भारत आपको ये बताना चाहता है कि लोगों की जागरूकता हो गई है। पहले ये चीज इतना नहीं देखने को मिलता था, लोग क्या है जो प्रताड़ित हो रहे। सिंपल अगर कोई लोग है, विजुअल के माध्यम से मैं दिखाऊंगी, आप प्रोफेसर्स को दिखाया जाए, ये प्रोफेसर्स है। चलो मान लीजिए कि इनको तो फंडामेंटल राइट की जानकारी है, शायद इसलिए वो बैठे। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी वो परिवार को विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पर बरसात, जी हम बता दें अभी आपको बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश में ये परिवार ऐसे ही बैठा हुआ है अपने न्याय की गुहार के लिए। देखिए, मुझे न्याय दे, इस तरीके से बारिश में अपने पूरे परिवार, अपने बच्चे को लेकर, अपने दोनों बेटियों को लेकर ये माँ ऐसे ही बैठी हुई है। ये अच्छी बात है कि नीचे तबके तक जो लोग हैं अपने अमौलिक अधिकार को पहचान रहे और न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए। इसके साथ ही हम चाहेंगे थोड़ा सा और नज़दीक आए। और हमने आपको बताया था कि टाना भगत इतने दिनों से आप देख सकते हैं टेंट में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर राजेश भी यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। और ये दो बार राजेश जो है ये दो बार नीट क्वालिफाइड है, और लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। राजेश को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर पिछले 100 दिनों से, जी आपको बहुत आश्चर्य होगा, पिछले 100 दिनों से ये धरना पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जरा इधर आ जाइए। क्या नाम आपका? बम शंभुदत्त मिश्रा, बर्खास्त चालक, व्यवहार न्यायालय जामतारा। देखिए, आप ही है ना जिन्होंने अपनी पूरी जमीन और सब कुछ बेच दिया। और यहाँ एक बात बताइए, ये जानकर अच्छा लग रहा है कि लोग अब अपने अधिकार का इतना ज्यादा, अब ये है कि यहाँ के वो धरना दे रहे हैं, पहले लोग ऐसा नहीं था। जी हाँ, अब चूंकि जागृति बढ़ गई है और लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं, और भारत का संविधान के प्रति हमारी पूरी आस्था है, इसलिए मैं अपने जी जान से सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, अपने अधिकार के लिए। देखिए, राजभवन में धरना का मानो जन सैलाब है, बरसात में भींग के लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है लोकतंत्र इसी को कहते हैं शायद अपने? जी हाँ, हमारी लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, और लोकतंत्र हमें इसके लिए शक्ति देता है, अधिकार देता है। और हमारे जो राज्य के और देश के जो भी कर्णधार हैं, जो लोग भी सत्ता पर आसीन हैं, वो लोग सभी बेशर्म होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब कोई मुश्किल आती है, सरकार से शिकायत होती है, तो कई लोग होते हैं जो घर में बैठ के रोते हैं, टीवी के सामने लेक्चर देते हैं, गाली देते हैं, सही मायने में यहाँ आकर अपने आवाज़ को उठाना ही असली? जी हाँ, घर में कितनों कुछ करने को है, जब तक आप रोड में नहीं निकलेंगे, आम जनता के बीच नहीं जाएंगे, आम जनता के बीच में उनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक उनको शर्म, जब उनको शर्म आएगी तब वो उसके प्रति संज्ञान में तब उस बात को लेते हैं। तो आपने साफ तौर पर देखा कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं दिखाने जो विजुअल के माध्यम से, देखिए बारिश में भीग के प्रोटेस्ट करे, मैं चाहूंगी विजुअल के माध्यम से, ये जो महिला है ये देखिए बारिश में भीग रहे लेकिन धरना दे रहे हैं। ये महिला यहाँ पे बच कर आई है, आप साफ तौर पर देखिए ये महिला यहाँ पे बच कर आई है बारिश में भीगने के लिए। यहाँ पे वो सहारा लिए टेंट का, लेकिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ ही वो भाईजान को भी आप देखेंगे, यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट के आदेश लगे, जो ये है शिक्षक है, उनकी बहाली को लेकर यहाँ पे ये धरना दे रहे। भैया एक बात बताइए, आप लोग जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है, आपको लगता है कि लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं, अब जो भी हो रहा है यहाँ आ रहे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, और लोग हैं गए हैं कहीं हाईकोर्ट शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। अच्छा, क्या बोले शिक्षा मंत्री? हाँ, शिक्षा मंत्री तो बोले हैं दो विषय के लिए, बाकी तो अभी निर्णय नहीं लिए हैं। तो कब लेंगे निर्णय? ये आज पता चलेगा शाम तक। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये आंदोलन आप लोगों को थोड़ा सफल होता हुआ कुछ उम्मीद? जी, सफल हो रहा है पूरा तरह से हम लोग को। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आंदोलन जो है ये सफल हो रहा है, धीरे धीरे ही सफल हो रहा है, लेकिन सफल हो रहा है। हमने भी यहाँ कई सारे धरने देखे हैं जिसको सफल होते हुए भी देखा है। ये वही धरना स्थल है जहाँ पे सोरेन जी आते हैं, खुद आते हैं और आश्वासन देकर जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं आश्वासन देकर जाते हैं। ये स्थल ऐसा है कि बड़े बड़े CM को भी यहाँ पे आके लोगों के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो भगवान कहा जाता है वो जनता ही होता है। और एक बार अगर लोकतंत्र में जनता सड़क पर उतर जाए तो सरकार को बचाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनता को
खुश करे, इस तरह बारिश से भीग कर धरना अगर जनता देगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बरसात हो, जाड़ा हो, फिर अपनी पड़ता टेंट गाड़ते अपनी मांगों को लेकर बैठ जाते हैं और शांतिपूर्वक, कोई आगजनी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बहुत शांति से बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा वे है डेमोंस्ट्रेट करने का, अपनी बातों को रखने का। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।